दुआ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह हाफिजी मुहम्मद अमामी व अली व खल्फी वल फातिमतु फौक अर्रासी वल हसन यमीनी वल हुसैन यस्सारी हौलाए हिसारी हिसारो अहली व माली व जिरानी व जिदारी व बिरहमतिका या अरहम। सलवात हो बुलंद आवाज़ में। मजलिस की कबूलियत वास्ते बुलंद सलवात पढ़ो। नारे तकबीर अल्लाह, नारे रिसालत, नारे हैदरी या करीम अल्लाह मुहम्मद आले मुहम्मद सबका बानियान दी मेहनत कबूल फरमा। चौदह का सदका इन्हां दे घरां ते रहमतां दा नज़ूल फरमा, जो नेक मुरादां ने पूरियां फरमा। बीमारां नूं शिफा दे, बे औलादां नूं औलाद दे मालिक, बे रिज़कां नूं रिज़क दे, मकरूज़ां दे कर्ज़ लहा, जिहड़े ज़ियारत वास सिखदे ने ज़ियारत नसीब फरमा। पाकिस्तान सलामत रहे, इमाम ज़माना दा ज़हूर फरमा। करीम अल्लाह चौदह का सदका जितने मोमिनीन मोमिनात इस महीने से हाजिर हैं, इन सारियां दी नेक मुरादा पूरियां फरमा, नेक अमल दी तौफीक अता फरमा। मालिक सानू इन बना दे जिमें तू चाहता है, जिमें तू राजी है। मेरा पढ़िया कबूल होए, तुहाडा सुनिया ये शहर ये नगरी आबाद रहे। ये हैं दुआवां जड़ा साड़ा हक बन दे, क्योंकि जिथे असा खड़े होने हैं ना, क्यों आम जगह नहीं। असा सारे वारसा ले हैं, असा ही तहा है जिन्हां दे वारिस मौजूद हैं। हाँ, सारे गन साडे वारिस मौजूद हैं, साड़ा इमाम मौजूद है। ते अपने आप दा एहतसाब कर लियो, मौला आवन वाले सलवात पढ़ो सरकार दी ज़ात ते। फिर भी तकलीफ करो बुलंद आवाज़ दे नाल। ए दुआ है पीर सैयद मियाँ सैयद अली शाह मालिक, उन्होंने सेहत कामल अता फरमावे। हाजी इमरान अब्बास की अलिया बीमार है, मालिक उन्होंने सेहत कामल अता फरमावे। ते बानियां ने मजलिस दियां सारियां नेक मुरादां पूरियां होन। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बुलंद सलवात अल्हम्दुलिल्लाह लिल्लाह रब्बिल आलमीन, सलवात अस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल आंदा। तो चलो मैं कदी कदी हाँ, उन मैं तुहाडे विच पढ़ के खुश होना, जो ये मेरे घर का मजमा है।
वतन का मजमा सारे अपने बैठे मेरे पर आया कोई नहीं। जिस वे तुम तो चंगा सुन दे हो ना तो बहुत मैं बड़ा खुश होना भाई। ये मजमा कोई लाहौर तो घाटे जो लाहौर ही अपनी तारीफ करें ने लाहौर लाहौर है उन्होंने तो एदा जाग गलत होया है ना। मदीने वन के बंदा पे आके साई तुहाडा शहर ही सोहना पर लाहौर लाहौर है। मैं आदा के जंग 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 मेरा है। हाँ जी हाँ सो भावे जंग तरक्की कहीं नहीं हुई ये तो मेरा शहर अल्लाह करे सी ते इनू रंग लग भी सी। लैलपुर साड़ी तहसील आंदी आई डवीन बन गया टोबा तहसील जिला बन गया चनियोट जिला बन गया। दुआ करो शाल असा जिला रहिए के तहसील न बनी खलोती हो। मालिक सारे नु इत्तेफाक इत्तेहाद नसीब फरमा। अजीज साडे जुल जनादा वाकया मसहब पढ़े मैं तुम जुल जनादा कसीदा सुना होना मैं पते ये धरती कितनी जरखेज है। मैं तुम जानदा तुस मैं जान दो कसीदा हैरान कर दे इंशाल्लाह। इंडिया दे विच इस साल मुहर्रम नहीं होया बड़ा सोहना स्पीकर है इत्थे चले तो वक्त मेरी पढ़ाइया सुन। असल अजकल गल सारी स्पीकर ते आ पई वो चाहन तो उथू आवाज बंद करके थका सकते जाकर लेकिन ये सोहना पे चलता है। मालिक इनू होर ही पांच सात स्पीकर दे जिंदगी हो। इंडिया दे विच मेरी एक एक गल जड़ी मेरी तबलीग का अपना रंग है। मुहर्रम इस वेरी नहीं होया जो करोना है जिथे जरी पाक होंगी आई अलम होंगे शबी जुलझना उथे कोई नहीं गया बंदे नहीं गए शबी जुलझना पहुंच गई। शायद तुहाडे चो ही कहीं वीडियो दिखी हो सी क्योंकि शिया तो मैं बड़ी की है जो कोई बंदा फोन तो हर बंदे की जेब बेचे होया इंजे कि शबी जुलझना ने उथे वन के जिथे जरी होती है उथे तवाफ शुरू किए जिथे अलम होता है तवाफ शुरू किए गोडियां लाइया पासे लैस हैवान आई उस अपना सारा इसनू वेख के ना वत शिया तो शिया रह गए सुन्नी हिंदू ही बिचे सारे कट्ठे हो गए। उन्हें मौला हुसैन अलैहि सलाम को माफ़ी मंगी उन्हें आख्या मौला माफ़ी दे दे असा भुल गए सानू हुकूमत रहे पर इस बेजुबान ने सारी अखा खोल दी फिर सब कुछ होए और उन्हें तस्लीम किते कि जिक्र इमाम हुसैन अलैहि सलाम कई बंदे दे मोहताज नहीं एदा मुहाफिज अल्लाह है। अल्लाह जैंद कुल चावे जिक्र हुसैन अलैहि सलाम करा सकते फिर उन्हें सारे निजाम किते मातम होया सारा छबियां बनिया उन्हें आखी कि जिक्र होना चाहिए। अच्छा ये गल है इस साल दी इस तू पहले दा तुसा जान दो एक हुजरे शाह मुकीम दा पीर आई आसिफ रजा गिलानी सुनी मौलवी आई बड़ी मजलसा पढ़ दई एंड ते शी होया उस मैंने एक वाकया सुनाया कि मेरे दोस्त दे दिल नू सुराख हो गया। डॉक्टर उन्होंने आख्या पंजी दिन तू तो छब्बीवां दिन नू जी सकदा। मैं उन्होंने फकीर को लै गयम सैयद को उस बंदे नू आख्या मन्नत मन मैं जुलझना दी रकाब चुमसा। उस मन्नत मनी मैं जुलझना दी रकाब चुमसा एक सलवात हो बुलंद आवाज ने अच्छा जुलझना दी शबी दी
रकाब चुमी उस बंदे जै पंजी दिहाड़े जीवन आई उस पंजी साल जहरा दे चन दा मातम कीता अपनी आई नाल तुरिया यार सुनी हाई शिया हो गया मोमिन हो गया मातमी बन गया हूं मैं भी सैयद हूं ये जड़े सैयद है ना उन्होंने कोल पूछे है साडा दिल होंदा कि चंगे काम में असा थोड़ा जिहा सारे तो अगे हो पता नहीं हूं इत्थे साईं हादी हुसैन दे अक्सर मुरीद बैठे साईं जिया बादशाह दे बहुत बड़े सैयद ते सैयद रहना बड़ा औखा है हो वंजना तो सौखा है ना सैयद बन के रहना औखा है ये तलवार ते टुरना वाल तो बरीक ते तलवार तो तेज इत्थे टुरना ये टुरना हाँ जड़ा इत्थे टुर गया सजे खबे नाम दिठा ते ठीक रहा तन मन सफा है वो ही तो कामयाब है 14 दिन मोहब्बत वाजिब है वो दिल च रख से ता कमल से बहरहाल मैं क्या भाई ओ हे घोड़ा हे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम दे घोड़े दी छबी ओ दी रकाब चुमीवे ते बंदे दा दिल दा सुराख ठीक हो वेंदा है ते असां सैयदां नूं भी कोई चंगा करना चाहीदा है सारे बंदे दुआई मंगाईंदे ने ते सानू इंज होना चाहीदा है भई जिवें होवण दा हक है मैं कि चलो एक वारी कम होर करे ने कदी जुल जनाह एक वारी मिल वंजे ना मेरी गल हो वंजे ना बड़ा लुत्फा से मैं वो अपनी मेहनत नू लगा रहा हूँ एक दफा मेरी आका हुसैन अलैहिस्सलाम दे पाक घोड़े नाल गल हो वंजे वेदा मैं इधर बैठा है तवज्जो करे मेरी गल हो गई जुल जनाह नाल जड़िया उस ते मेरिया गल्ला होई हैं वो तुहानू मैं सुनावना चाहना सुन दियो वाह वाह मेरे ख्याल है लाहौर तू हट आयो फैसलाबाद आ गए हो कसीदा जी जुल जनाह कुल मैं पूछा भाई हे ता तू घोड़ा एडी शान तेरी तू मैं तेरे रकाब चुम के बंदे शिफा मिल वी बंदे नू चूंकि फकीर दस्या उस बंदे नू के बंदे दिया नजरा नहीं वेखण आलिया अज भी मौला अपने घोड़े ते सवार होंदे जुलजना ने अपना तारुफ कराए है शबीर मेरा राकिब मेरा नाम जुलजना शबीर मेरा राकिब मेरा नाम जुलजना है शबीर मेरा राकिब मेरा नाम जुलजना है शबीर या अली बिस्मिल्लाह जियो जिंदगी तारुफ सुनने मेरा नाम जुलजना मैंने जुलजना आख्या तू एक बंदे तू हैरान होया वदे मैं रकाब चुमी ते ठीक हो गया अगली गल सुन फेते ही घटाई नहीं मेरा नाम जुलजना है शबीर मेरा राकिब मेरा नाम जुलजना है जिब्रील भी अदब छे जिब्रील भी अदब ये रकाब झूमता है वाह वाह जियो मेरा वतन जियो जंग आबाद रहो जिंदगी में तुरिया मैं क्या जुलजना जी जो मैं मिंबर ते आ वन्या मैं मालूम होता है ये सारा जहान मेरा है हाँ इत्थे आ वन्या ते कोई चीज आवे दी मेरे अंदर ते मैं ता नाम लेवा मौला दा तू है मेरे मौला दी सवारी तेरे उत्ते मौला हुसैन ले सलाम सवार होंदे ते तक की दफा मेरे मौला दी जियारत की थी कदी तो भी कई तब्दीली महसूस की थी है जुलजना आख्या मैं तो हूँ भी महसूस कर रहा मैं क्या क्या महसूस कर रहे हैं जुलजना दस्या सुबह है जमी पे मेरे पर अर्श पर खड़ा हूँ जियो 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 जियो
ਇਹ ਆਲੀ ਹੋ ਤੇਰੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜ਼ੁਲਜਰਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਏ ਸੁਮੇ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਪੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਅਰਸ਼ ਪਰ ਖੜਾ ਹੂੰ ਸੁਣ ਲੋ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਜਬਰੀਲ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਣ ਲੋ ਕੇ ਨੌਕਰੀ ਮੈਂ ਜਬਰੀਲ ਕੀ ਸੁਣਾ मुझ को सवा रब ने अता किया है मुझको सवार रब ने क्या अता किया है पहली सवारी जिसकी ओ पहली सवारी जिसकी दुनिया में मुस्तफा है वाह 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 आबाद रहो बिस्मिल्लाह या अली हुण मैनू सारियां गल्लां याद आ गईयां जो वाकई ज़ुलजनाह सही पिया दे कि हसनैन पहले तो नाने दी मोहर ते सवार हुंदे हन या अली अगर आका मुहम्मद मुस्तफा नमाज पढ़दे पे होवे ना ये पुछते आ के चढ़ बांधे हन और आका नू सजदा लंबा करना पौंदा ही सारियां गल्लां मैं के बिल्कुल ज़ुलजनाह ते ठीक आखे लेकिन मैं शौक रखदा कुरान पढ़दा तारीख पढ़दा उत्थे मैनू ढेर सारे घोड़ियां दा जिक्र मिले नबियां दे घोड़े बड़े सोहने घोड़े हजरत सुलेमान बिन दाऊद अलैहिस्सलाम दे घोड़े इतने सोहने हैं मैं आख्या मैं वाकया पढ़ी एक दफा उन्होंने प्यार करें दे रहे अल्लाह दा नबी ते प्यार दे विच मसरूफ रहे नमाज दा वेला ही ढल गया ओ घोड़े कैसे तेरे ते उन्नत विच क्या फर्क है ज़ुलजनाह क्या सुन रुतबा मेरा कलाम रहमान बन के उतरा रुतबा मेरा कलाम रहमान बन के उतरा किरदार भी फलक से कुरहान बन के उतरा किरदार भी फलक से कुरहान बन के उतरा जिनको नबी सुले झुक झुक के छू रहा जिनको नबी सुल झुक झुक के छू रहा है उन सब सवारियों से उन सब सवारियों रुतबा मेरा बड़ा है जो या अली सच पूछो तो इथू ताई मैं सिर्फ तो ना रला है पढ़ना तो मैं होने शेर में हूँ पढ़ना अच्छा हूँ मैं कुरान पढ़े आई भी कुछ ऐसे घोड़े हैं जिन्हें दी अल्लाह कसमा चाहिए भाई वो भजदे उन्होंने सुंबा चो चिंगारियाँ निकल दियन अल्लाह आख्या मैं उन्होंने कसम है वो भजदे वो हौक देन वो सह लेंदेन अल्लाह उन्हें सावां दी भी कसम चाहिए पढ़ते हो ना कुरान तो मेरा भाई हूँ वो गल मेरी जहने चाहिए मेरे जहने चाहिए मैं कह ज़ुलजनाह जी चूंकि मैं हाँ जाकिर तेरी ये मेरी गल भी हो दियन मैं एक गल वाई दस ऐसा मोमना नू ते वत मैं तो तेन मन नहीं खलोता तू सारे दा सरदार है सारे घोड़े दा सरदार है मैं मन ले लेकिन उत्थे बंदे कुछ हैं जेडे आखसन कोई सबूत दे पहले सादा सबूत मंगसन ते पिछे आखसन कुरान चू विखा मातम कुरान चू विखा घोड़ा कुरान चू विखा मैं आख्या किदा तेरा जिक्र है कुरान ज़ुलजनाह क्या हाँ हे मैं आख्या दसी दसी मैं उन्होंने दसे सा ए मौला ते घोड़े का जिक्र है ज़ुलजनाह मैंने आख्या कुरान तू खोले ते ऐ पढ़ के उन्होंने सुनाई गुफ्तार पर हाय वल आदियात ज़बान बिस्मिल्लाह ज़ुलजनाह के वन उन्होंने सुनाई गुफ्तार पर है आलत रफ्तार की हमद फल मूरियात कद रफ्तार कैसे तुम्हें बता मेयार मेरा क्या सुनना सुनना मेयार मेरा क्या है शबीर का करम है ओ शबीर का करम जाकिर मेरा खुदा है
ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੌਣ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਉਰਦੂ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦਾ ਕਸੀਦਾ ਪੜੂੰ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੱਕ ਪਈਆਂ ਤਾਜੁਕਰ ਥੱਕ ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਦੇਰ ਮੁਕਾ ਮੌਲਾ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਸੁਣ ਸੁਣ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਅੱਖੀਆਂ ਸੁਣ ਭਾਈ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਜਾਗ ਗਈ ਥੱਕ ਗਈਆਂ ਵਤਨ ਵਾਲਿਓ ਮੈਂ ਸ਼ੇਰ ਪੜਨ ਲੱਗਾ ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਪੜਿਆ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਉਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਹੇਠਾਂ ਰੱਖਿਆ ਯਾ ਅਲੀ ਇਮਾਮ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੁਣਨਾ ਇਸ ਕੋਨੇ ਵਾਲਿਓ ਪਹਿਲਿਓ ਤਵੱਜੋ ਮੌਲਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਪੂਰੀ ਚ ਮੌਲਾ ਹਰ ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਮੌਲਾ ਹਰ ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਸੁਣਨਾ ਭਾਈ ਸੁਣਨਾ ਮੋਮਿਨ ਦੀ ਆਸ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ ਕਿਹੜੀ ਵਾਹ ਵਾਹ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਨਾ ਕਰ ਨਾ ਕਰ ਵੱਲ ਪੜਦਾ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਜਮਾ ਲਾ 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 ਨਾਰਾ ਲਾ ਯਾ ਅਲੀ ਯਾ ਅਲੀ ਓਏ ਕੀ ਕੀ ਬੰਦੇ ਯਾ ਅਲੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਘੁੱਟ ਵੈਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਅਲਮਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਇਹ ਅਲਮ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦਿਲੂ ਯਾ ਅਲੀ ਆਖੇ ਉਹਨੂੰ 16,000 ਖਤਮ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਸਵਾਬ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਯਾਰ ਤੇ 16,000 ਖਤਮ ਹੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਮੌਲਾ ਨੇ ਖੁਦ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਵੇ ਹੈ ਕੋਈ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਹੀਂ ਦਾ ਪੀਰ ਸ਼ੇਰ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਊ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰੱਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ
मुश्ताक शाह आप इमाम ज़मान नाल गल करन दा पे सुन दिया हाथ है न तुहाडे सगवें दाते है दर दे हाथ है न तुहा मालन वखे मेरा दिल है कि मैं थोड़े वक्त तो ढेर सारा सुना ली तो याद तो रहे ना जो मुश्ताक शाह आया ही कदी कदी आवन होंगे अकरम भाई मेरे नाल बहुत प्यार कर दें ते लिहाजा और होर तुसा कहीं मैनू एडा याद किया ही कदी नहीं तो मैं आया ही कदी नहीं उ मैं पढ़ता छे छे मजलसा डेली ठीक है ना हाय सारे जमाने गुंडसा मैं नौकर गाजी दा 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 वतन आलियो मैं कैसा नौकर गाजी दा सुनो जी सारे जमाने कुंडसा अल्लाह वे खाते थरे हाँ मैं नौकर गाजी दा अल्लाह वे खाते थरे हाँ मैं नौकर गाजी दा नौकर गाजी दा जड़े गाजी से नौकर बैठो बेशक मेरे नाल रल सकदे हो तुस नाल पढ़ा सकदे हो मैं पता है सुर जाने वाले बंदे ही बैठे ना रल व्या है मैं कैसा नौकर हाँ मैं किवें बनया इकला मैं नहीं पढ़ सकता तुस ही नाल पढ़ सकते हो असा सारे गाजी के नौकर है हो ना गाजी के नौकर असा किवें बनया है जमाने दसे ना दे अली दी मैनू लोरी सुना के ना दे अली दी झोली दे विच मैं को मातम सिखा के 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 मैनू दसाया मेरी माँ मैं नौकर गाजी दा जियो दसाया मेरी माँ वाह वाह जिंदगी आ जिंदगी ठंडा नहीं होना अगला शेर सुनो अच्छे जड़े वड्डे सरदार होंदे ओ चंगिया नौकरां दा बड़ा ख्याल रखदे ओ चाहदे साडे नौकर दा घर चंगा होवे कपड़े चंगे होवे गड्डी भी होनी चाहीदी क्योंकि असा वड्डे सरदार हैं ते साडे नौकर कोल गड्डी चंगी होनी चाहीदी कपड़े चंगे होने चाहीदे घर ही चंगा होना चाहीदा है मैं नौकर गाजी दा आओ मैं दसा मेरे सरदार मेरे वास्ते क्या किता है जदों दा गाजी मैनू अपना बनाया जदों दा गाजी मैनू अपना और तुसा ही पढ़ावने नाल तुसा सारे जदों दा गाजी जनते च साइया मेरा बंगला पवाया सुना सुना अलमा दी छा मैं नौकर गाजी दा बोलो उते है अलमा दी छा मैं नौकर गाजी दा उते है अलमा दी छा जियो नौकर गाजी दा वाह वाह नौकर गाजी दा अच्छा वाल चपड़ दे
ਜਦੋਂ ਦਾ ਗਾਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ ਜਨਤ ਚ ਸਾਈਆਂ ਮੇਰਾ ਬੰਗਲਾ ਪਵਾ ਜਨਤ ਚ ਸਾਈਆਂ ਮੇਰਾ ਬੰਗਲਾ ਪਵਾ ਉੱਤੇ ਅਲਮਾਂ ਦੀ ਛਾਂ ਮਨਾ ਕਰ ਅੱਛਾ ਵਤਨ ਵਾਲਿਓ ਪਰਸੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਪਰਸੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਕਿਤੇ ਪਹਾੜਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮਹਿਲਤ ਪੜਨ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੁਜ਼ੂ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਿਆ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੁਜ਼ੂ ਬੈਠਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਵੁਜ਼ੂ ਪੁੱਠਾ ਬੈਠਾ ਕਰੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬਈ ਇਹ ਮੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਿਹਨ ਹੀ ਸੋਚਿਆ ਸਾਡੀ ਅੱਖ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਬੱਚਾ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਕੀ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਮੈਂ ਅਜੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਰੱਖਣਾ ਨਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਲੈ ਸਕ ਬਹਰ ਹਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਉਹ ਸਾਹਿਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੌਕਰ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ 'ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਂ ਕਈ ਗੱਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਿਬਲਾ ਜਨਾਬ ਫਿਰਜ਼ਾ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ ਬਈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਕਰਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਵਜੇ ਨਾ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਦੱਸੇ ਨਾ ਇਹ ਤਾਂ ਪਾਕ ਬਤੂਲ ਦੀ ਕਨੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਜਿਵੇਂ ਸਾਈਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਹੋ ਵਜੇ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੋ ਵਜੇ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਜਿਹਦੀ ਤਾਰੀਫਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਨਾਰਾ ਅਲੀ ਦਾ ਸਾਡੀ ਨਸਲੀ ਪਹਿਚਾਣ ਜੀਓ ਜੀਓ ਅਲੀ ਵਾਲੇ ਮੈਥੋਂ ਨਾ ਪੁੱਛੋ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਗਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜੀਓ ਸਲਾਮਤ ਰਹੋ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਇੱਕ ਜੁਮਲਾ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਤੇ ਦੁਆ ਦੇਵਾਂ ਰੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਮਤ ਨੇ ਸਾਦਾਤ ਨੂੰ ਰੁਲਾ ਦਿੱਤਾ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮਵੱਦਤ ਮੁਹੱਬਤ ਉਹ ਦੀਨ ਸਿਖਾਵੀ ਦਾ ਅਜਰ ਹੈ ਮਤਾ ਕਈ ਨੇਕ ਚਾੜੀ ਬੈਠਾ ਹੋਏ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਸਿੱਖੀ ਨਾ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦੀ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਵੱਦਤ ਕੁਰਾਨ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਕਰ ਪਾਕ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਇਆ ਮੇਰੀ ਅਹਿਲ ਬੈਤ ਕਸ਼ਤੀ ਹੈ ਨੂਹ ਦੀ ਮਾਨਦ ਹੈ ਤੇ ਇਤਨਾ ਮਾਰੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਬੁੱਝਣੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਓਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਿਆ ਕੀਤਾ ਹੋਈ ਅਸਾਂ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੇ ਵਧੇ ਇਹ ਦੇਖ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਕਿਆ ਮਰਦ ਕਿਆ ਮਸਤੂ ਰਾਤ ਸਭ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲੇ ਸਾਡਾ ਇਹਤਜਾਜ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਾਲਿਮ ਮੁਸਲਮਾਨੋ ਨਬੀ ਦਾ ਘਰ ਲੁੱਟੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਹੜੇ ਤੁਰਨ ਦਾ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 9-9 ਮੀਲ ਤੁਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਸਾਲਤ ਪਿਆਸੇ ਸੈਯਦ ਮਾਰੇ ਨੇ ਸਜਾਦ ਦੀ ਭੇਡ ਮਾਸੂਮਾ ਕੋ
कई हो जाई मौत हे आई आदमी जो बैठे हैं जियो मातमी जियो आजादार रही है सारी जिंदगी आज मर तू डरदी ये झिड़का नाल डराई सज्जादाद है मैं कु नहीं भूलदा वो जिवे शाम देवे ए मासूमा सैन प्यो दे सीने ते समदे हन मैं उस सैन का मसैब पे पढ़ा जड़ी मुसाफर आले कब्रिस्तान सुती पई जी जी अच्छा सुनना आखिर ते ताबूत बरामद होना है मासूमा दा लेकिन मैं ओ हिस्सा पढ़सा जड़ा होर कह नहीं पढ़ना जाकरी दे पहले 10 साल मैं ये मजमून कभी नहीं पढ़िया मैं तहकीक करता रहा इस वक्त मैं 10 घंटे यानी 10 मजलसा मासूमा दे मसैब दिया पढ़ सकता इन्ना बंदिया जुल्म कितना कीते उम्र 4 साल ये पहला हिस्सा तो इन्हे सकून नाल उस गुजारे प्यू दे सीने ते समझी आई अली अकबर दे सीने ते समझी आई ते वत कर बला तू शाम तई चोखी जिंदगी जड़ा मैं आख्या रही है सारी जिंदगी शिमर तू डरदी चोखी जिंदगी आई ये जड़े कर बला तू शाम तई दे दुख हैं मैं 10 घंटे मसाहब पढ़ सकता ये अजर रिसालत दिता है मुसलमान ये साड़ी सैन जेंदा रोजा बाजार च है ना वो इस सैन तू छोटे रुकैया बिनतुल हुसैन वो छोटी सैन है ये भी जिम्मेदारी नाल प्यादा ऊंदी तू वखरी कोठी पढ़ सकता है इन्हीं वखरी कोठी नहीं पढ़ सकता ये 2 मजमून रल गए बनिया को मैं इदी तहकीक च रहा 10 साल ये होया क्या है मैं उस कमरे के बारे जानता जड़ा उस मजार तू बीबी सैन रुकैया बिनतुल हुसैन के हरम तू कुछ फासले थे है एक छोटा कमरा हूँ पता नहीं खड़ा है या नहीं अगे बिठाई वो पौड़िया के उत्ते कमरा बने रही एक सैयद पहरे ते बांधा इतने ड्यूटी दें 17 पौड़िया या 23 तले लाना पौधे तले तहखाना आई जिद ये 2.5 साल की सैयादादी कई 100 साल सुते रहे वो मैं नहर ही जानता जिस नहर का पानी इस तालाब वाले पास आंदा ही तो बीबी खाब एक आलम दीन की बेटिया आख्या कि प्यो न आखो मेरी कबर इतों तब्दील करन पानी आ गया वो नहर छुपी हुई मैं नहर
देख आया तसली नाल देख आया ता तेरे सामने पेश कर रहे हैं। हाँ वो पानी बीबी दे जनाजे मैयत दे नज़दीक नहीं आया, बाहर हो रहे है, लेकिन जो विचों बीबी दा मैयत चाह लग गया चाया ने फिर पानी डाल गए ऊँधी मजाक हो गए। जिंदा महमद साहब पढ़ता पिया इस सकीना बिंतुल हुसैन अलैहिस्सलाम जिदे नाल आका हुसैन अलैहिस्सलाम नु बहुत ज्यादा प्यार आई। जिस घर सकीना ना होवे मैनू चैन नहीं आता, मैं एक सतर पढ़नी जड़ी होर कोई नहीं पढ़ता वादा, क्योंकि मैं सारे जानता सारे मजमून अस एक दूए रले होने सब पढ़ते एक बह दे मजमून सारे समझते। दसना ये चाहता कि जिस जिंदान बीबी बांधी आई ना मासूमा ना उदी छत आई ना दरवाजा आई, सर्दी और गर्मी की वजह तू इन्हां दे चेहरे दे रंग तब्दील हो गए। उस कोने तू इथू ताई ये तकरीबन जिंदान है, इस तू वड्डा नहीं उथू ते इथू ताई उथे बांधी आई मासूमा ते इथे बांधी आई सैयद साजदीन नाल इमाम मुहम्मद बाकर इथे प्यो पुत्र बांधे। पहले दिन उथू टुरिए बगैर साई कटे भीरा को पहुंचाई, तुझ अक्सो एक ही लफ्ज आखे बच्चे कोई साई कट दे इतना सफर था बच्चे एक मिनट कई दफा उठे थे कई दफा इतने। हाँ भाई तू सोचता सही इतना थका दिता ही उम्मत ने, ना पानी ना खाना। पहले दिन एक दिन इतू ताई आइए बगैर साई दे ते भिरा दी झोली च बह के ते जैनुल आबदीन दी इन दाड़ी ते हाथ लाए के ते आदि है ये सवाल होए जिद नाल जैनुल आबदीन दी दाड़ी चिट्टी हो गई। वो सवाल तुम सुनेंदा पिया है सज्जाद तेरे जेवर लथे हुए वेखा तेरी रत रुकी हुई वेखा तेरे एक बागर दा लख होए दसा मक्तल च गुजरिया से लाशा धोपते पईयां हैं कहें दफन की दिया या कोई ना। इमाम ने फरमाया दफन हो गए अन करीब तेरे बाबे दा शहर वस पहुंची। अल्लाह अकबर। बाकी सारिया गल्ला छुड़े ना जड़ा जिंदगी दा आखिरी दिन आई ना उस दिन बीबी आए ना उथू ते इथू ताई हर कदम ते सही कटी, या ये भी आख सकते हो हर कदम ते झड़ पई भिरा को झड़िए भिरा चाह के हाँ ना लै ते मुँह चुम क्या देनो भिरा मर वनी क्यों तकलीफ की थी उदाई मैं च सड़िया नहीं सज्जाद सवाल मेरा हा तू मेरा भाई भी है तू मेरा इमाम है मैं एक सवाल करना हाँ मैनु दसा प्यास दिया कुल मंजिला कितनिया हो गया। मैं इो कुछ पढ़ने ते दुआ दे छोड़नी प्यास दिए मंजिला पढ़नी है बाकी मजमून बाकी जाकर पढ़ दे रहा सिर ये मुकदा नहीं भावें दा जाकर पढ़ लें दुखी इतने सदमे इतने जिदा मासूमा ने आख्या ना प्यास दिया मंजिला कितनिया जैनुल आबदीन दिया अखा जो खून टिप्पा मार के बाहर आए आलिया ने आके धी नु चा लिया आलिया सैन फरमेंदे न किते कर औके सवाल हिको तो बच गए वो मर वैसिया। जैनुल आबदीन ने बाबा खोलिया पुपी अम्मा वला दियो मेरी बहन दे सवाल दा जवाब मेरे ते वाजिब हो गए आज सिर्फ फिरा नहीं साख्या आज नाल इमाम ही आख्या मैं जवाब देसा भेड़ दे सवाल का जवाब देसा इन झोली पैने मुँह चुमकिया दिन हूँ दसा के आखी है सज्जाद थक गई मैं दसा प्यास दिया कुल मंजिल कितनी हो गई सैयदा दा चार पहली सुना कि मुकदी है
सदके सैयदा दे कम अज कम त्रै दिन की प्यास हो कई कई ले अखी दू नजर आवे ए प्यास दी पहली मंजा ले बीबी याद आयो मैं डका संभिरा सैयदा दे कासम दवैन क्यों की दई आदि ओ मंजर सामने आ गए जदो बाबे दे अगे हाथ बंदाई चाचा इजाजत दे तेरे दुश्मन मारा चाचा मैं इतना प्यासा मेरी अखी दे अगू धू नजर आ गए बीबी आदि जी आखा जी आखा जी आखा सुनदा सुनदा जुमला सुनने कोई लंबा मैं नहीं पढ़ना बीबी आदि पग लग गया कासम फिरा प्यास दी पहली मंजिल ते फैज दूजी मंजिल सुना सैयदा दा जदों जुबान खुश्क हो के तालू ना लग वने छुड़ावन मुश्किल होवे ए दूजी मंजिल है बीबी आदि हायो मेरा अकबर फिरा सैयदा दा अकबर दा बहन क्यों की दई आदि ओ वेला याद आ गया जदों मेरा भिरा हमला करके आई आदि बाबा लोहे मनु थका दिता एक घुट पानी होया शामिया नु शाम दिखावा बाबे आके मैं मुंह खुले ना अपनी जुबान मेरे मुंह च पा आदि मर गई हो अकबर भिरा दा मुंह खुलदा ना देखा दूजी मंजिल थे मेरा अकबर भिरा फैज सुन भाई मैं पता है तेरे मिजाज नु जानना ते बर्दाश्त करना ही नहीं दो मंजिला तो मैं पढ़ ली है त्री मंजिल प्यास दी सुन बीबी आदि तीसरी मंजिल सुना सैयद रोंदा है बुलेंदा नहीं हाथ बन के आदि मैं चोखा जीवन है मेरे साथ टुट टुट वे दिन त्री मंजिल सुना सैयद आदे मछली बीबी आदि क्या प्यास दी त्री मंजिल का नाम मछली है सैयदा दा ना तो नहीं लेकिन मछली जो पानी तो बाहर आवे वो तड़पती है सजाद क्यों तड़पती है फरमाया पानी की जुदाई नहीं बर्दाश्त कर सकती चूंकि पानी उनकी जिंदगी है हाँ सजाद मछली फिर क्या करती है फरमाया तड़पण के बाद थोड़ी देर तड़पण के बाद वत करवट बदल दी है सज्जे खब्बे क्यों फरमाया इहो कोई ताकत रह वेंदी तड़प नहीं सकती वत दो तीन दफा करवट बदल दिए है सजाद फिर मछली क्या कर दिए फरमाया जदों तड़पण दी करवट बदलन दी ताकत मुख वे वत मछली मुंह खुले दिए ते बंद करे दिए क्यों मुंह खुले दिए सैयदा आ दिए हाय पानी मातम करके आ दिए सजाद ए मछली नहीं मेरे भिरा असर दी शहादत है मैं कुर्बान वन्या मैं तड़पदा ही दिठा है करवटा बदलदा ही दिठा है जदों मुंह खुले दाई भेड कोल पानी मंगदा हो सी सदके 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 बिस्मिल्ला करा हो गई मेरी लेज आखरी मंजिल सुनो दुआ देवा आखरी मंजिल बीबी आदि सज्जाद त्रै मंजिल सुनाइया नी ए ओ मंजिल है बीबिया मातम की दिन जमीन आसमान हल गए जड़ी मैं तुहानू आखरी मंजिल प्यास दी सुनावन लगा सुने बीबी आदि दसा चौथी मंजिल सैयदा दा ए आखरी है इस तू बाद मौत बीबी आदि एदी हद केड़ी है मुकदी कित्थां है सैयदा दा इतनी प्यास होवे इतने दिन पानी बंदा ना पीवे जो जिस्म दा पानी खुश्क होवे जदा जिस्म दा पानी खुश्क होवे उस तू बाद मौत होंदी है आखरी मंजिल है बीबी आदि भेण नू दसा जदा जिसम दा पानी सुख वने एदी कई निशानी है या कोई ना सैयदा दा है निशानी संभले जदा हड्डिया नालू गोश्त वखरा होवन लग वने समझो जिसम दा पानी सुख गया है उस तू बाद मौत होंदी है निकिया निकिया घिसड़िया तू कमीज लहाई आदि आप देख मैं इतनी प्यासी हाँ ओ मेरी हड्डिया नाल गोश्त वखरा हो गया सजाद मैं मरण वाली हां